सुगेश, क्या आप भी यहाँ पे पेटीएम के अंदर जैसी कोई से भी बैंक अकाउंट को ऐड करने जा रहे हैं तो क्या आपके साथ भी कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम लिख के आ जाता है? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, वी आर अनेबल टू लिंक योर बैंक अकाउंट राइट नाउ। तो यहाँ पे जैसे आप फिर से यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से बैक हो जाता है, और फिर से जैसे कोई सा भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं, लिंक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बार बार यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं पंजाब नेशनल बैंक को भी ऐड कर रहा हूं तो बार बार यही प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है या फिर कोई भी इशू देखने को मिल रहा है? तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से यहां पे आप अपने पेटीएम के अंदर कोई से भी बैंक अकाउंट ऐड करना सीख जाओगे, यहां पे जो प्रॉब्लम है 101% सॉल्व करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे एक और मोबाइल है जिसमें मैं आपको यहाँ पे पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ऐड होता है कि नहीं। नेशनल बैंक पे क्लिक करता हूँ तो फाइनली मेरा यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है ऐड हो चुका है, यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, और यहाँ पे ये जो बैंक है यहाँ पे देख सकते हो ऐड हो चुका है, देखने को मिल रहा है। तो लेकिन इस वाले मोबाइल में यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा। तो चलिए मैं फाइनली आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हो, फाइनली आपको भी बता देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पे पेटीएम सर्च करना है, यहाँ पे शो हो जाएगा, तो यहाँ से अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद यहाँ से आपको मिनिमाइज कर लेना, उसके बाद फिर से आपको पेटीएम पे 2 सेकंड क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आई बटन या फिर ऐप इन्फो शो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गए नीचे में एक ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो स्टोरेज यूजेज का, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गए आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पे आपको पेटीएम को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे ने तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से वही वाला मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे अलाउ मांगेगा, अलाउ देना, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। जैसे कि आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और खुद ही यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट कर लेना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को वाइज जरूर सब्सक्राइब कर लो, वहीं जो लाइक घंटे उसको भी ऑल पे सिलेक्ट करना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके से आपको न्यू वीडियो मिलता रहता है। तो फाइनली यहाँ पे पेटीएम ओपन हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पेटीएम के अंदर बैंक अकाउंट ऐड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है। नीचे में आपको UPI पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन शो हो जाता है, तो आपको क्या करना है, फिर से आपको UPI पेमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बहुत सारे बैंक अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जिस भी बैंक के अंदर आप जखनी ट्रैक कर रहे थे आपका ऐड नहीं हो रहा था, फिर से बाय वाला आपको बैंक अकाउंट को ट्रैक करना, ऐड करने की कोशिश करना है। यहाँ पे मैं पंजाब नेशनल बैंक क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग होता है, और फाइनली मेरे यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है ऐड हो चुका है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो UPI पिन का ऑप्शन शो हो जाता है। मैं बैंक का जो बैलेंस है उसको भी चेक कर सकता हूँ, तो चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद UPI पिन मांग रहा है तो UPI पिन मैं यहाँ पे डाल देते हैं, और फाइनली यहाँ पे देख सकते हो वो जो बैंक के अंदर जितना भी बैलेंस है यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि मैं घर बैठे अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से गाइस आप अपना बैंक अकाउंट जो ऐड नहीं हो रहा है वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको कुछ टाइम वेट कर लेना है। यहाँ पे आपको कभी कभी पेटीएम के अंदर कुछ ग्लिच के कारण कभी कभी वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आप वेट कर लोगे 1 घंटा या फिर 2 घंटा तो ऑटोमेटिक उसके बाद फिर आपको ट्राई करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपको लैप प्रूफ बैंक अकाउंट ऐड करके दिखा दिया हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको साथ भी जो भी प्रॉब्लम हो रहा होगा वो सॉल्व कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।